पुलिस थाना गरौठ को मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए श्यामगढ़ रोड हनुमान मंदिर के पास नारिया बुजुर्ग फंटे पर नाकाबंदी की गई। सफेद रंग की हुंडई वरना कार को रोककर तलाशी लेने पर कार में कुल 1 क्विंटल 60 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ डोडा चूरा भरा होना पाया गया, जिसे NDPS एक्ट के प्रावधानों के तहत मय वाहन विधिवत जब्त कर कार सवार आरोपीगण एक राजूराम पिता मानाराम बटगुंदिया जाति विश्नोई उम्र 29 साल निवासी मुलराज नगर थाना लोहावट जिला जोधपुर राजस्थान एवं दूसरा सुभाष पिता कालूराम मुंड जाति विश्नोई उम्र 25 साल निवासी पल्ली थाना मतोड़ा जिला जोधपुर राजस्थान को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार शुदा आरोपीगण से अवैध मादक पदार्थ डोडा चूरा के स्रोत के संबंध में पूछताछ करने पर उनके द्वारा उक्त डोडा चूरा सुनील पाटीदार निवासी नाटाराम व कान्हा और सत्तो गुर्जर निवासी भटाना से लाना बताया, जिसमें प्रकरण में सुनील पाटीदार एवं कान्हा गुर्जर को भी सह आरोपी बनाया गया। फिलहाल सुनील पाटीदार और कान्हा गुर्जर फरार है। आरोपियों के विरुद्ध अपराध क्रमांक 496 धारा 8, 15, 29 NDPS एक्ट का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। प्रकरण में आगे की पूछताछ कार्रवाई जारी है। कल उप निरीक्षक अशोक शुक्ला को मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि एक राजस्थान पासिंग RJ 27 CE 0178 के द्वारा में दो व्यक्ति बैठे हैं जो अवैध डोडा चूरा का परिवहन करेंगे, जिसको घेराबंदी कर पकड़ा तो उसमें से एक क्विंटल 60 किलो डोडा चूरा पुलिस के द्वारा जब्त किया गया। कितने आरोपी हैं इसमें? दो आरोपी हैं, राजूराम पिता मानाराम जाति विश्नोई उम्र 29 वर्ष मूलराज नगर के हैं लोहावट जिला जोधपुर, और सुभाष पिता कालूराम मुंड जाति विश्नोई उम्र 25 साल निवासी पल्ली थाना मड़ौत के। कहाँ से लाना आपके? कहाँ से? ये नाटाराम के सुनील पाटीदार निवासी नाटाराम थाना सीतामऊ से लाना बता रहे हैं। इसका एक और साथी काना गुजर, काना और सत्तू गुजर, ये भटाना का रहने वाला वजलपुर का, उससे इन दोनों से लेके आना बता रहे हैं। मध्यसोर से ललित शंकर धाकड़ की ये रिपोर्ट।